नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय चाहता हूँ। मेरा नाम हुआ डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार दुसिया, प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी जी। और सर, अभी जो नॉवल कोरोना वायरस जो चल रहा है, अभी देश में तबाही मचा रखा है, इसके बारे में आपके पास इसका लक्षण क्या क्या है और इससे बचाव के लिए आपके पास क्या सुविधा है? देखिए, आमतौर पर जो अभी चला हुआ है, खांसी बुखार और सांस लेने में दिक्कत होती है जी, तो और उसका ट्रेवलिंग हिस्ट्री है, जहाँ से मैंने ये ओरिजिन हुआ, पहले से मैंने जहाँ केसेज मिल रहा है जी, वहाँ संभावना हम लोग संदिग्ध मान सकते हैं कि होने की संभावना है, हो सकता है, तो उसको हम लोग मेडिकल कॉलेज में जहाँ व्यवस्था है इसकी जाँच की व्यवस्था, हम लोग वहाँ रेफर करेंगे तो कन्फर्म होगा वहाँ केस हो के है कि नहीं। क्योंकि सभी सर्दी खांसी बुखार जो आते हैं तो कोरोना वायरस ही नहीं हो सकते हैं, तो फ्लू भी हो सकता है ना, सीजनल भी हो सकता है जी, टेम्परेचर के उतार चढ़ाव के चलते भी सर्दी खांसी बुखार होते रहते हैं जी। अब इसके लिए हम लोग आशा के माध्यम से, एनएम के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं जी, कि जहाँ भी हैं गांव देहात में लोग अगर इस तरह की कठिनाई होती है तो तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कॉन्टैक्ट करें, संपर्क करें। इनका लक्षण क्या क्या है? इसका लक्षण है वही खांसी है, बुखार है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है जी। और इनसे राहत के लिए आपके पास जैसे मास्क वगैरह बांटने का या ऐसा कुछ व्यवस्था क्या क्या है? अगर वैसा जिस तरह का पेशेंट है तो उसको हम लोग मास्क देंगे। अच्छा, इस तरह का पेशेंट हम लोग संदिग्ध लग रहा है जी, संदिग्ध लग रहा है तो उसको देंगे, जो आएगा उसको भी लगाने के लिए देंगे, ताकि जो खांसता है तो उससे वायरस निकलता है। इसका जो प्रभाव है एक मीटर की दूरी पर ही होती है, ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, ख़त्म हो जाएगा उसका जरा दूरी पर। तो आदमी को दूरी बना कर रखना है और हाथ जो है बार बार साबुन से या डिटॉल जो भी हो उसे साफ करना है, तो सावधानी बरतेंगे तो उस रोग से बचा जा सकता है, बचा सावधानी जो है बचा है उसका जी। उसका कोई लक्षण लखीपुर प्रखंड में है क्या? नहीं, अभी तो मेरे सामने नहीं, यहाँ हॉस्पिटल में तो नहीं आया। सर, एक बताया जा रहा था कि मुंगेर संग्रामपुर से आया हुआ था, यही लक्ष्मीपुर नजारी में, उनके बारे में जानकारी क्या? अच्छा, पेपर तो में बारे में, हाँ पेपर के माध्यम से हम लोग भी जानकारी हुई जी जी, और मैसेज आया वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि पेशेंट पता चला कि प्राइवेट में दिखाया, कहीं वहाँ से रेफर किया गया तो सदर अस्पताल में वहाँ जमुई पेशेंट गया जमुई जी, और वहाँ से भी रेफर किए, तो कुछ हिस्ट्री ट्रेवलिंग हिस्ट्री है जहाँ की मैंने कुछ लोग पीड़ित हो सकते हैं, पीड़ित है, संदेह के आधार पर उसको भेज देगा मेडिकल कॉलेज वहाँ से, सदर अस्पताल जमुई से। थैंक यू सर।